Hi everybody, welcome to my channel. I'm Apoorva and today I'm going to share with you all my Miniso haul. So कुछ दिनों से मैं Miniso जा रही थी. हमने कुछ चीज़ें खरीदी थी और कुछ gifting purpose के लिए और कुछ अपने लिए. तो मैंने जो अपने लिए ली थी वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. So let's get started. So the first thing जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है cotton pads to remove your makeup. But it says it is multi-purpose. आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो. These are the cotton pads from Miniso. I'll just read out. It says it is multi-purpose. It is soft to touch, gentle on skin, superior skin affinity, and 225 counts के मिलते हैं आपको ये cotton pads. And it is for 250 rupees, which is a good deal, I believe. And मैं आपको बस दिखा देती हूँ अंदर से कि इनकी thickness कैसी है और shape कैसा है. So it's like this. And I think fairly अच्छा काम करते हैं for eye makeup को हटाने के लिए, face के makeup को हटाने के लिए. I think मेरे को ये अच्छा लगा product because 250 rupees में अगर 2 to 5 count के आपको ये मिल रहे हैं, which is a good thing. और भी बहुत सारे type के ऐसे cotton pads थे, but मुझे ये cost के हिसाब से अच्छा लगा. So you can try this for yourself if you want to. So this was my first purchase, which is a cotton pad, and I use it to remove my makeup. So the next product which I have is the eyebrow pencil with oval tip, and it is in the shade 02 dark brown, something like this. On one end आपको ये eyebrow shade मिल जाएगा जिसे आप fill कर सकते हो. This is in dark brown 02 color, and दूसरे end पे आपको ब्रश मिल जाएगा जिससे आप आईब्रो को ब्रश कर सकते हो, शेप दे सकते हो. मैं ये ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी आईब्रोज़ काफ़ी थिक हैं और इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है. कभी कभी यूज़ करती हूँ और भी मैंने एक दो यूज़ की हैं आईब्रो पेंसिल्स. आई वुड से दिस डज़ अ डिसेंट जॉब. बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट नहीं है, बहुत ख़राब प्रोडक्ट नहीं है, काम चला हुआ है, यूज़ कर सकते हो. मेरे ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि मैं बहुत कम आईब्रो फिल करती हूँ, बहुत ज़्यादा ओकेजनली. लेकिन मैंने ले लिया था ट्राई करने के लिए. ऑल दो मैंने सुना है Miniso के मेकअप रेंज इतनी अच्छी नहीं है, मैंने ट्राई नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दिस एज इन एप्लीकेशन वाली. लेकिन आप ट्राई कर सकते हो. एंड इसका प्राइस अभी मुझे याद नहीं है, मैं देख के यहाँ पे कहीं लिख दूँगी. शायद ये 180 रुपीज़ के आसपास का था. बट और इसमें और भी शेड्स आते हैं. मैंने 02 डार्क ब्राउन इससे लिया क्योंकि ऑलरेडी मेरी आईब्रोज़ काफ़ी थिक हैं, डार्क हैं. सो जिनकी थिक और डार्क आईब्रोज़ होती हैं उनको लाइटर शेड ही ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उसके बाद अगर आप ब्लैक या वैसा कुछ लेंगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है. तो दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट. एंड द थर्ड प्रोडक्ट विच आई गॉट फ्रॉम Miniso, जो मैं दो बार ले चुकी हूँ पर अभी मेरे पास एक ही अवेलेबल है, वो है स्लीपर्स. मैंने Miniso से ये स्लीपर्स ली थी. ये कुछ 350 के आसपास की थी और कुछ नहीं, घर में पहनने वाली स्लीपर्स हैं, क्यूट सी हैं, प्यारी लगी मुझे, मैंने ले ली. ऐसी मैं दो बार ले चुकी हूँ, एक की तो हालत अभी ख़राब हो चुकी है, बट दिस वन इज़ अ न्यू परचेज. ज़्यादा पहनी नहीं है. वहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाता है आपको स्लीपर्स का भी, डेली वेयर टाइप की, तो और रीज़नेबल 350 के आसपास की रेंज का. तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो यस, यू कैन बाय दैट एज वेल. एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट, द फोर्थ प्रोडक्ट आई हेयर हैव इज द कंप्रेस्ड फेशियल मास्क. दीज कम इन टैबलेट फॉर्म्स. इसमें खूब सारी टैबलेट्स रहती हैं. टू बी स्पेसिफिक काउंट मैं आपको बताऊं तो मुझे देखना पड़ेगा. इसका कॉस्ट मैं बता देती हूँ. 190 रुपीज़ का इसका कॉस्ट है. और हाउ डज़ इट वर्क. तो बेसिकली ये टैबलेट को आपको, मतलब इसको आप खोलोगे, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ. आप इसको पानी में डालोगे तो ये खुल जाएगा और फिर फेशियल मास्क आप उसको पहन सकते हो. और मैं इसका एक छोटा सा वीडियो डाल दूँगी टूवर्ड्स दी एंड, आप देख लेना हाउ इट एग्जैक्टली वर्क्स. एंड टू बी फ्रैंक ठीक ठाक है. ऑब्वियसली आपने फेशियल मास्क यूज़ किए होंगे और ब्रांड्स के, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बस हल्का सा कूलिंग इफेक्ट देता है बिकॉज थोड़ा सा आप ठंडे पानी में डालते हो इसको तो एक कामिंग इफेक्ट देगा. बट मॉइस्चराइजेशन वगैरह इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि ये दे पाएगा वैसा कुछ इफेक्ट्स. अगर मैं पढ़ूँ इसमें, इसमें लिखा है फेस क्लेंजिंग, पुट मास्क शीट इन टू अ कंटेनर देन फिल द लेटर विद एसेंस टोनर. टोनर डाल सकते हैं. आफ्टर एक्सपेंडिंग एंड एब्जॉर्विंग द एसेंस द शीट कैन बी टेकन आउट. अप्लाई द शीट टू फेस प्रॉपरली एंड टेक ऑफ 15 मिनट्स लेटर. मुझे कुछ खास नहीं अच्छा लगा.
ठीक है टाइम पास के लिए कि हाँ मैंने शीट मास्क यूज़ किया आज, बट कुछ खास नहीं लगा मुझे। इसमें 30 पीसेज हैं फॉर द कॉस्ट ऑफ 190। ओकेश प्रोडक्ट, नथिंग वेरी फैंसी। जो आपके और फेस मास्क आते हैं फ्रॉम अदर डिफरेंट ब्रांड्स, इनको जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज कर देते हैं, वैसा तो बिल्कुल नहीं है। कूलिंग इफेक्ट के लिए अच्छा है। आफ्टर सन आप घर पे आते हो, आपको एक अच्छा सेंसेशन चाहिए कूलिंग का, जो एलोवेरा जेल जो आपके फेस को करता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फॉर अ मिनिमम 15 पीरियड ऑफ 10 मिनट पीरियड ऑफ टाइम आपको वैसा इफेक्ट देने के लिए। इट्स एन ओकेश प्रोडक्ट। And the next thing which I recently got from Miniso are beauty blenders. They were very cute, so I got them. Look at this, cute. There are four of them in different shapes. मैंने अभी तक खोल के नहीं देखा है, मैं खोल के देखती हूँ। And this is for 250 rupees. चार छोटे beauty blenders आपको मिल जाते हैं। Let's open this and see exactly क्या shape है and how can we use it. Okay. So these are the different shapes of beauty blenders. So if I take this out, something like this, which I think can be used for under eye. Yeah, it's very cute and nice, and the color is also very nice. And a regular one, but in a small size. And these two are very cute. I don't know, मैं इसको use कैसे करूँगी, कर लूँगी कैसे? Very cute. मोदक की तरह लग रहा है. Anyway. These are very cute for 250 rupees. If you like cute things like me and if you like makeup, you can buy them. Obviously, 250 rupees mein cute chote chote beauty blenders mil rahe hain. Le lo yaar. Okay, next product is again a beauty blender and it comes with a khud ka stand kind of a thing. I'll just show you. Maine isko khol ke nahi dekha. It says it's oval shape, power puff, fine and soft texture with supreme skin affinity. This is for rupees 250 again. 250 का ये भी है. ओके गिर गया. 250 का ये भी है. खोल के देखते हैं. या सो सो इट इज समथिंग लाइक दिस एंड इफ यू ओपन दिस, दिस इज योर ब्यूटी ब्लेंडर. ओके नाइस. सो दिस इज योर ब्यूटी ब्लेंडर विच यू कैन यूज आफ्टर यूजिंग एंड वॉशिंग. यू कैन कीप इट इन दिस और जब सूख जाए तो फिर इसको बंद करके डस्ट से बचाने के लिए इसमें वापस रख दो. वेरी नाइस, आई लाइक इट. मैं इसको यूज़ करूँगी अच्छे से. सो आई टोल्ड यू द कॉस्ट एंड आई लाइक द प्रोडक्ट इन द सेंस ऑफ पैकेजिंग एंड आइडिया. अभी यूज़ करके नहीं देखा है काइंड से अबाउट कि कितना अच्छा से काम करता है ये, कितना अच्छा ब्लेंड करता है, कितना टाइम तक चलता है. और ब्यूटी ब्लेंडर्स कुछ काफ़ी उसके बाद फट जाते हैं जो भी है, बट इसका मैंने आई एम नॉट श्योर. लेट्स सी, यूज़ करके देखते हैं. एंड द लास्ट थिंग इज अगेन शो यू. It is this huge thing which I have in front of you guys. Well, I don't know how to describe this. ये आपका एक बहुत क्यूट सा, अच्छा सा, स्पेशियस सा मिनी वार्डरोब है. ओके सो ये जब आता है पैकेजिंग में, ये बहुत अच्छे से डिसमेंटल होके ही आता है. यू कैन सी देर आर चेन्स जिसमें पूरा खुल जाएगा और सब कुछ एकदम अच्छे से बंद हो जाएगा और आप इसको घर पे लाओ, इसको ईजिली ये असेंबल हो जाता है. और इसमें आप कुछ भी रख सकते हो, अपना मेकअप रख सकते हो, एनीथिंग यू कैन कीप. एंड इट कम्स इन वन मोर कलर आई बिलीव. क्यूट लिटिल ड्रॉज हियर एंड हियर एंड हियर एंड यू कैन यूज दिस. दिस वॉज समथिंग अराउंड 750 और 800 इसी के आसपास की कॉस्ट का था. ये मैं अपने रूम में रख देती हूँ अपने बेड के सामने, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए. आई थिंक इट्स वेरी नाइस. मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है, इसकी वेट इतनी है. अभी इसमें थोड़ा बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली इतना बड़ा है नहीं. वेरी गुड फॉर स्मॉल थिंग्स टू कीप एंड ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. आई थिंक मुझे अच्छा लगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मिनिसो में जो आपकी कम स्पेस लेती हैं स्टोरेज वाली.
और ईजिली आपका काम बन जाता है उन सब चीज़ों से। अगर आपने मिनिसो अभी तक नहीं गए हो तो चेकअप करो आपके नियरेस्ट प्लेस पे। ओके, सो आई एम फ्रॉम लखनऊ। तो मिनिसो लखनऊ में तीन जगह पे है जितना मुझे पता है। वन इज़ इन द सिनेपोलिस मॉल, वन इज़ इन सहारागंज मॉल, एंड वन इज़ एट पत्रकारपुरम मार्केट। तो ये तीनों जगह पे लखनऊ में है। अगर आप लखनऊ से हो तो आप जाके देख सकते हो मिनिसो। वन थिंग इट इज़ देयर कि बार मिनिसो में घुस जाओ तो आप कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हो। सो आई ऑल्सो रेजिस्ट कि अगर नहीं चाहिए तो ना जाओ। एनीवेज, तो ये था मेरा मिनिसो हॉल छोटा सा। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और बताना कि आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मिनिसो से, इसमें से जो भी पसंद आया बताना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट्स के प्राइस जितने मुझे पता है मैं लिख दूँगी। और दैट वॉज माई मिनिसो हॉल। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू सून। बाय।